सच कहूं तो आज जो मैं कहने जा रही हूं ना, मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, पर मैं तो कहूंगी। आजकल क्या माहौल है कि सब लोग ना एक कमरे में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं, और किसी पे भी कभी भी गुस्सा निकल सकता है। और सबसे ज्यादा पिस्ती कौन है? हाउसवाइफ, क्योंकि शी इज टेकन फॉर ग्रांटेड। हस्बैंड का बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों का स्कूल का करियर का, बूढ़े माँ बाप बाहर वॉक करने नहीं जा सकते, सब फ्रस्ट्रेटेड है सब। आपने पूछा, सुनो 2 बज गए, खाना लगा दूं? देख नहीं रही हो कि मैं लैपटॉप पे बैठे कुछ काम कर रहा हूं? ये तो पूछा है, खाना लगा? गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। आई टेल यू व्हाट टू डू, आप एक कमरे में चले जाए। अच्छा, कमरा ना भी हो तो कोई बात नहीं, कमरे में बहुत लोग शायद बैठे हो। आप बाथरूम में चले जाइए 2 मिनट के लिए, चिटकनी बंद कर दीजिए, और जितनी गालियां आपको आती हैं, नहीं भी आती, जो सुनी है सारी ना लाउडली, मतलब अपने अंदर नहीं बाहर, इतना लाउड भी नहीं कि बाहर वालों को सुनाई दे, किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, दे दो। अरे यार, ये तो पूछा था कि खाना लगा तुम। मम्मी मम्मी फिर से भिंडी बनाई है। अरे बाजार में सिर्फ भिंडी थी, क्या करूं? दे दो गालियां। ना 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 ना, भड़ास निकल गई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, आप शांत हो गई, चिटकिनी खोलो, बाहर निकलो, शांति से सांस लो। अच्छा, रसोई में खाना लग गया है, जिसको चाहिए अपने आप ले लेना।